हाय, माय नेम इज अमल सहरावत और आप मुझे देख रहे हैं टेली बाइट्स पर। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। जी, ये शो हरफूल मोहिनी कलर्स पर आ रहा है 14 जून से रात को 9 बजे। ये लव स्टोरी है एक हरियाणवी लड़के की केरला की लड़की के साथ। तो ऑडियंस को बहुत ही बेहतरीन संगम दिखने वाला है दो अलग अलग कल्चर्स का, हरियाणवी कल्चर और साउथ इंडियन कल्चर, जो कि अपने आप में बहुत अलग है। एंड मेरा जो किरदार है वो है हरपूल के बड़े भाई का, संतोक। ये जो किरदार है ये फिजिकली भी बहुत अलग है बाकी किरदारों से, बिकॉज संतोक की एक टांग तोड़ दी गई है लड़ाई झगड़े में, फैमिली फ्यूड्स में, फैमिली का झगड़ा था उसमें इसके ऊपर अटैक हुआ और इसकी एक टांग फिलहाल तोड़ दी गई है। तो मेरा कैरेक्टर अभी शो में लंगड़ाता है, एक डंडे के सहारे चलता है, तो वो जो लाचारपन है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एंड उसके अलावा कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन है यार, बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है इसके अंदर। ये बहुत प्यार भी करता है अपनी फैमिली से, कहीं ना कहीं इसके अंदर वो जेलेसी भी है, बिकॉज ये इसे मालूम है मैं कर सकता हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है करने में। सर, शूटिंग हो गई होगी लगभग? जी हाँ जी। अरे यार, बहुत बेहतरीन मोमेंट्स रहे हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। सुप्रिया शुक्ला मैम जो कि मेरी मदर प्ले कर रही है, माई का रोल प्ले कर रही हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारी इंसान है, बहुत ममता भरी हुई है उनके अंदर। तो ममता एक बिल्कुल सही शब्द होगा सुप्रिया मैम को डिस्क्राइब करने के लिए। हरफूल जो है वो एक ग्रोन अप किड है, तन से बढ़ गया है बट मन से अभी भी बच्चा है। शगुन जो मोहिनी प्ले कर रही है वो तो बच्ची है, वो तो बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी वाइफ जो प्ले कर रही हैं सोनाली निकम जी, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, बहुत अच्छे से अपने किरदार को समझा उन्होंने, तो उनके साथ सीन्स करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तेज सप्रू सर है जिनको देख कर हम अभी तक बड़े हुए हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ जी। ये शो कितना डिफरेंट लग रहा है आपको पिछले शो से? देखिए, टीम तो सेम है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरी चैनल टीम ने वापस मुझे एक मौका दिया है ये शो करने का। लेकिन जो पिछला शो था वो पूरा पंजाब के ऊपर बेस्ड था, छोटी सरदारनी। एंड ये जो शो है इसमें तो दो अलग ही कल्चर हो गए ना, एक हरियाणा का हो गया और एक अपना साउथ इंडियन का हो गया, और यहाँ पे हरियाणवी कल्चर हो रहा है, तो इसकी तो टोन ही अलग है यार, इसका बड़ा फ्लेवर बहुत अलग है। ये बहुत ही दुखद बात है, और मैं सेट पर था जब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी एंड मैं बिलीव नहीं कर पाया, और जिस तरीके से ये हुआ है बहुत दुखदायक है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को, स्पेशली उनके पेरेंट्स को खूब हौसला दे, हिम्मत दे, उनके फैंस को हौसला दे, हिम्मत दे एंड उनकी आत्मा को शांति दे बस। सर, रियलिटी शोज़ की अगर हम बात करें तो आप आने वाले टाइम में किसी रियलिटी शोज़ की तरफ देख रहे हैं, जाने का कोई ऐसा विचार है? और नहीं जी, विचार तो नहीं है ऐसा कुछ, ना मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ जाने का। लेकिन एक शो है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है, बिग बॉस। वो उसका एक रीज़न है कि वो ना आपको मानसिक रूप से बड़ा चैलेंज करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि 3 महीने अगर मैं एक जगह पर बंद हुआ उन्हीं लोगों के साथ, तो मेरे अंदर का कौन सा रूप बाहर आने वाला है, वो मैं देखना चाहता हूँ, डिस्कवर करना चाहता हूँ। सर, और कोई प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस शो? अजी, भी एक साउथ की फिल्म है जो मैंने अभी अभी ख़त्म की है और उसके इमीडिएट बाद मैंने ये शो शुरू कर दिया। फिलहाल तो महीने में 30 दिन इसी शो में जा रहे हैं, बट होपफुली एक नेक्स्ट साउथ की फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना प्यार हमारे ऊपर है, हमारे साथ ऐसी बनाए रखिए, और हरफूल मोहिनी देखिए कलर्स पर 14 जून से 9 बजे, और अपने जीवन में प्यारे दोस्तों थम जाइए, हो जाएगा, स्लो डाउन।